कहेवत है कि अड़गमन मुसाफर ने हिमालय पर नहीं नड़तो आ कहेवत ने सार्थक करी बतावी है बुलंदशहर सदर जिला चालवी गामना महिला वृद्धाए तेमणे कंईक एवं कारनामु कर्यु कि जेनी नोंध लेवी ज पड़े तेवी छे भणवानी कोई उम्र होती नहीं दृश्यों में देखाता सलीमन की उम्र 95 वर्ष की है परंतु तेमणे आ उम्रे भणवानी इच्छा थी और एक दिवस पोताना पौत्रनी साथे शालाए पहुंची गया स्कूल मुख्य शिक्षक वृद्ध महिला भणवानी इच्छा जोई आश्चर्यचकित थी गया परंतु तेनी साथे तेमणे खुशी पण थई आ अंगे तेमणे बेसिक शिक्षण विभाग साथे वात करी त्यारबाद सलीमन नु रजिस्ट्रेशन केन्द्र सरकार साक्षर भारत अभियान योजना में करावी दीधु छे त्यारबाद महिला वृद्ध सलीमन भणवा माटे शालाए पहोंचवा लाग्या स्कूलना शिक्षण पण पुस्तक आपी तेमने भणावानुं शरू कर्युं छे आंखोथी ओछुं देखातुं होवा छतां सलीमननी भणवानी इच्छा दरेक व्यक्तिने प्रेरित करी रही छे 95 वर्षना महिला वृद्धा सलीमनने हवे पोतानी परीक्षा पण पास करी लीधी छे जेनो वीडियो सोशियल मीडियामां वायरल थई रह्यो छे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह माता जी का दौरा मुझे पढ़ना अच्छा लगता है मैं जो है पढ़ना सीख गई नाम लिखना सीख गई माता जी का दौरा और मैं मुझे बहुत बढ़िया लग रहा और मेरा अच्छा लग रहा माता जी का दौरा आते मैं मतलब पढ़ना लिख के सीख गई पढ़ना लिख गई नाम लिखना सीख गई और मैं मास्टर ने ना खूब पढ़ा ली एक्चुअली ये हमेशा ये कहा करती थी कि मास्टर ने मेरी पेंशन लगवा दी तो मैंने इन्हें यूं करके कन्विंस करा कि मैंने कहा अम्मा जी आप यदि मेरे विद्यालय में आओगी और मेरे से पढ़ोगी आधा घंटा चाहे एक घंटा आप मुझे प्लीज दो तो मैं आपको पेंशन आपकी मैं लगवाऊंगी तो अम्मा इससे बहुत इंस्पायर होकर अम्मा आने लगी और अब पिछले 10 महीने से ये रेगुलर मेरे पास आ रही हैं तो इन्होंने काफ़ी हद तक सीख लिया गिनती सीख ली इवन ये कि गिनती ये 1 से 100 तक इस तरीके से तो नहीं बोल पाती हैं कि 98 या 95 लेकिन ये 1 से 20 तक करने के बाद में फिर दोबारा अगेन 1 से 20 करने के बाद में कि 40 और फिर उसके बाद में फिर 1 से 60 इस तरीके से करके ये 100 से ऊपर तक की काउंटिंग कर लेती लेकिन अम्मा 92 साल की एज होने के बावजूद सर इनके अंदर एक इतनी चाह है पढ़ाई के प्रति कि अम्मा अपने खुद ही आ जाना कि मास्टर नहीं मुझे पढ़ा दो बच्चों के साथ बैठती हैं गिनती याद करती हैं या बच्चे जो भी बोल रहे हैं अक्षर का ज्ञान है तो उसे ओरल आराम से बोल लेती हैं मौखिक उच्चारण अच्छे से कर लिया करती हैं तो लेकिन अम्मा जी को देख के अब काफ़ी सुधार आया है अब लोग बाग अपने रिश्तेदारों के यहाँ अपने बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं तो अम्मा मेरे स्कूल के लिए आदर्श हैं मेरे लिए आदर्श हैं और मेरे बच्चे मोटिवेट हो रहे हैं और हम सभी लोग मोटिवेट हो रहे हैं अम्मा की इस सीख से उनकी ललक से सर अरे हमें आगे बात करें।